Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. Now you are connected with YouTube channel Get Goal Online. Today we are discussing about nature of mathematics. जैसा कि friend काफ़ी दिनों से mathematics की pedagogy की demand हो रही थी, तो आज हम अपना इस part लेके आए हैं nature of mathematics, गणित की जो प्राकृतिक है उसकी pedagogy के बारे में बात करेंगे. और friends, हमारी लेटेस्ट वीडियो एंड PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए हमारे WhatsApp एंड Telegram को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो जो नए मैथमेटिक्स की जो प्रकृति कैसी होती है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे. जैसा कि पता है कि मैथमेटिक्स की जो प्रकृति है वो हमेशा तार्किक होती है. तार्किक की प्रकृति के आधार पर पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड रहता है. और इसका मीनिंग क्या है, शास्त्रों में अलग अलग बताया है. गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान बोला जाता है, गणित गणनाओं का विज्ञान बोला जाता है, गणित मापतौल या परिणाम दिशा का विज्ञान बोला जाता है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है. मतलब इस तरीके के काफ़ी विचार दिए हैं. यह विज्ञान का अमूर्त रूप माना गया है गणित को, या तार्किक विचारों की विज्ञान है. तो ETC के बारे में हम पढ़ेंगे और इस टाइप के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं. सो गाइस, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आप जो भी टेट सीटेट देने जा रहे हैं उसमें अच्छे से मार्क्स ले पाएँ. सो गाइस, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर. गाइज, आपको ना थोड़ा समझ के पढ़ना है, जिससे कि ऑटोमेटिक से आपको जो डिफरेंट आंसर इसका जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है. सब जितने तीन ऑप्शन सेम कॉमन होंगे, उसके बाद में जो भी अदर ऑप्शन होगा वो इस तरीके का होगा जो अलग दिखेगा सबसे. तो मोस्टली आंसर वही होते हैं. तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए भी केयरफुली, और आपके आंसर सारे मोस्टली सही जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूमाल, रूलर जो होता है, पैमाना, वो 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है. पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है, या रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है. उसका उत्तर जैसे इस तरीके का, जो आपका पैमाना वो यहाँ से टूट गया है, मतलब फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है वो टूट गया है, तो इस तरीके से आंसर आपका क्या होगा. तो आपके ऑप्शन सामने ये हैं. फर्स्ट ऑप्शन है गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए तथा और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है. सेकंड, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में है. थर्ड, सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है. फोर, गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को देख रहा है. तो क्या राइट आंसर होगा. तो देखो, आपका यहाँ पे अगर 1 होना चाहिए था, अब यहाँ पे जो 1 है नहीं, तो क्या है, मतलब अगर 2 से स्टार्ट करेगा वो, तो कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाता, यहाँ पे 1 बढ़ता, तब आपको 6 वाला होता, तब आप 6 यहाँ तक गिन पाते थे, यहाँ से और यहाँ तक 6. इसका मतलब है कि पहला जो ऑप्शन है आपका सही है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, फर्स्ट ऑप्शन, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना. सेकंड, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता. थर्ड, अधिकतर सूत्रों को याद कराना. फोर, बहुत जल्दी सवालों को हल करना. तो व्हाट इज द राइट आंसर. सो राइट आंसर इज फर्स्ट. सभी जो अवधारणाएँ उनको समझना, लागू करना, उनमें संबंध स्थापित करना, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सारी चीज़ें जरूरी होती हैं, जिससे कि वो अच्छा रेस्पॉन्स दे सकता है. निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, फर्स्ट, यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, थर्ड, यह कठिन है, फोर, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है. तो इसका आंसर तो हम थोड़ी देर पहले ही बता सकते हैं. जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, हमने बताया था तार्किक होती है, तो यह एक तार्किक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं. फर्स्ट, हैंगविन, स्किनर, थर्ड लॉक, फोर, बेंजामिन पेरिस. तो व्हाट इज द राइट आंसर. आपका राइट आंसर है वो है
बेंजामिन पेरिस ने गणित को निष्कर्ष निकाले जाते हैं ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, मतलब गणित विज्ञानों की कुंजी है, तो ये बात किसने कही थी? फर्स्ट ऑप्शन बेकन, सेकंड ड्यूट, थर्ड स्किनर, फोर्थ कॉमेट। तो राइट आंसर ये क्या है? फर्स्ट बेकन। मोस्टली स्किनर और ड्यूट वगैरह ये मतलब साइकोलॉजी में ज़्यादा आते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया है बच्चों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, फर्स्ट वस्तुनिष्ठ, सेकंड सार्वभौमिक, थर्ड वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज फोर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो गणित की प्रकृति होती है, जो निष्कर्ष निकलते हैं या नियम निकलते हैं वो तार्किक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, वह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? फर्स्ट कौशल, सेकंड पूर्व ज्ञान, थर्ड अनुप्रयोग, फोर अवबोधन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज अवबोधन, मतलब उसे उस चीज़ों का पहले से थोड़ा ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को कहा जाता है फर्स्ट विद्यार्थियों का दुश्मन, सेकंड शक्तिशाली शक्तिशालियों की शक्ति, थर्ड मन की भाषा, फोर मस्तिष्क का व्यायाम। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो गणित को हम कहते हैं वो कहते हैं मस्तिष्क का व्यायाम, जो गणित के अकॉर्डिंग जो थॉट्स चलते हैं, जो डेवलप होता है, तो उसको मस्तिष्क का एक व्यायाम होता है, तो मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं गणित को। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट किलपैट्रिक, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड क्रो एंड क्रो, फोर स्किनर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज कौन सा बताइए आप? फर्स्ट किलपैट्रिक। ये बात जो की गई थी वो तो किलपैट्रिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? फर्स्ट सांस्कृतिक उद्देश्य, सेकंड शैक्षणिक उद्देश्य, थर्ड सामाजिक उद्देश्य, फोर ये सभी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज सेकंड, शैक्षणिक योग उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं जो टीचर जो होता है शिक्षक, वो उस क्लासरूम में ही उसे प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाने जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है फर्स्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, सेकंड मुदालियर आयोग का, थर्ड शिक्षा नीति 1986 का, फोर राधा कृष्णन आयोग का। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज थर्ड, शिक्षा नीति 1986 का। अब 1986 की शिक्षा नीति को भी एक बात आप यहाँ रखना, इसको हम नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है इसको। और जो फर्स्ट शिक्षा नीति थी तो वो कब आई थी? अगर पहली की बात करें या सर्वप्रथम की बात करें तो वो आई थी 1968 में, या 68,500 के मद्देनजर, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है तो ये ध्यान रखना। जो पहली आई थी वो आई थी 1968 में, सेकंड जो आई है नई वाली वो आई है 1986 में, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। 1986 में जो बीए बीएससी है, ग्रेजुएशन है, उसको तीन तीन ईयर की किया गया था, उससे पहले 2 ईयर की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, फर्स्ट गणित विषय में अक्रमबद्धता, सेकंड गणित की भाषा असंकेतिक है, थर्ड गणित एक रसहीन विषय है, फोर्थ गणित एक मूर्त विषय है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज थर्ड, गणित एक रसहीन विषय है, मतलब गणित में कोई रस नहीं है, जैसे बच्चे बोलते हैं ना बोरियत है, तो वो चीज होती है गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फर्स्ट व्यवहारिक जीवन की से विषय का संबंध हो, सेकेंड मानसिक शक्तियों का विकास हो, फोर जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, फोर आनंद की प्राप्ति ना हो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो
इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, आनंद की प्राप्ति ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। फर्स्ट ड्यूट, बेकन, डटन और प्लेटो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज थर्ड, डटन। डटन डटन ने इस बारी को परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक गणित का भाग है फर्स्ट संख्याओं का हिसाब लगाना, सेकंड जोड़ व बाकी करना, थर्ड समीकरणों का हल करना, फोर बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो राइट आंसर इसका कौन सा है बताइए? राइट आंसर इसका 4 है, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? महत्वाकांक्षी वर्ड है उसके बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की, सेकंड गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, थर्ड गणित के अनुप्रयोगों की, फोर्थ गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज 4, गणित के उच्च उद्देश्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित उल्लिखित गणित की लंबी आकृति, जो गणित की लंबी आकृति है, संकेत किसकी ओर करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, सेकंड गणित के खेलों का सृजन, थर्ड हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, फोर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज 4, एक संकल्पना को पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, ऑप्शन फर्स्ट गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, सेकंड गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, थर्ड बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, फोर महत्वपूर्ण गणित उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज फर्स्ट, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, NCF, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभाव पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डॉट 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 की ओर संकेत करता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, नेक्स्ट एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, फोर पर शुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर जो आपका है वो है आपका थर्ड, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार समस्या का समाधान करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है फर्स्ट ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, सेकंड विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, थर्ड उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, फोर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज 4, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना मुख्य मुख्य ध्येय है, मतलब शिक्षा गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है फर्स्ट रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, सेकंड संख्यात्मक कौशलों का विकास, थर्ड बीजगणित पढ़ाना, फोर्थ परकलन व मापन पढ़ाना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज सेकंड, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सो गाइस, हमारे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ख़त्म होते हैं।
हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक चाहिए आपको, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमें ज्वाइन कर लें गेटगोल ऑनलाइन से, जिससे कि आप कोई भी सजेशन सुझाव दे सकते हैं हमें। और जितने भी व्यक्ति कैट सी कैट करने जा रहे हैं, तो उन सभी को हमारी इस वीडियो को शेयर करें। अब जितने भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, उन सभी पर शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारी इस मैथमेटिक्स पेडागोगी की सीरीज में हमारे नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में सी टेट में अच्छे मार्क्स लाने में सहायता होगी। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।